सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को मेरी राम राम। अभी मुझे भाई साहब ने बताया आप घंटों से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं इतनी गर्मी में। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद और अभिनंदन, एक बार आप सभी के लिए तालियां। आप सभी को मालूम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल वो हरियाणा के ही लाल हैं। 1994 में हमारी शादी हुई। अरविंद जी का परिवार हिसार में रहता था, बहुत ही साधारण परिवार। उनके पिताजी नौकरी करते थे हिसार में। अरविंद जी का जन्म हुआ एक गांव में, सिवानी में। उनका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब हिसार में हुई। अब आप सोचिए, सपने में भी नहीं सोच सकते कि हरियाणा का ये लड़का साधारण परिवार से 20 साल बाद जाकर देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये बात, ये मामूली बात नहीं है। अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ। इसमें भी हैरानी की बात है कि उस दिन जन्माष्टमी थी, कृष्ण की जन्माष्टमी, कृष्ण भगवान का जन्मदिन था उस दिन। अब ये तो महज इत्तफाक नहीं हो सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान जी आपके बेटे, आपके लाल से कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं, वरना गांव का एक पैदा हुआ लड़का, साधारण परिवार में पला हुआ, जाकर दिल्ली में मुख्यमंत्री बन जाता है। आपका बेटे ने जीरो से शुरू किया, खुद की पार्टी बनाई और पहले ही चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया और काम तो ऐसे ऐसे किए कि बड़ी बड़ी पार्टियां, पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई अभी तक, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दोनों जगह, दिल्ली में, पंजाब में। सभी सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, गरीबों के बच्चों का भविष्य ऊंचा कर दिया, उज्जवल कर दिया। सरकारी अस्पताल, उनकी कंडीशन अच्छी कर दी। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, जहां अच्छा इलाज होता है, फ्री इलाज होता है। सबसे बड़ी बात, बिजली फ्री कर दी। पंजाब और दिल्ली दोनों जगह बिजली फ्री है, 24 घंटे बिजली आती है। पहले लंबे लंबे पावर कट लगते थे। और महिलाओं के लिए बसों में फ्री सफर है, महिलाओं को टिकट नहीं खरीदनी पड़ती। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर दिया फ्री। और अब दिल्ली और पंजाब में हर महीना हर महिला को हजार हजार रुपया देने जा रहे हैं। बहुत सारे काम किए हैं आपके बेटे ने, हरियाणा के लाल केजरीवाल ने। मैं आप सबसे पूछती हूं, ऐसी और कोई पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हों? ऐसी कोई और पार्टी है जिसने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हों, अस्पताल अच्छे किए हों, इलाज अच्छा किया हो? ऐसी और कोई पार्टी है जिसने बिजली फ्री कर दी हो, 24 घंटे बिजली देती हो? ये सब काम आपका बेटा हरियाणा का लाल केजरीवाल कर सकता है।
और इसी वजह से आपके बेटे से मोदी जी जलते हैं। वो जलते हैं, उनसे ये सब काम नहीं होते, उनसे इलाज नहीं अच्छा करवाया जाता, उनसे ना अच्छी शिक्षा दी जाती, कोई काम नहीं होता उनसे। इसीलिए आपके बेटे के सारे काम रोकने के लिए एक फर्जी केस बनाकर उनको जेल में डाल दिया। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूं अगर केजरीवाल चोर है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मोदी जी ने केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं डाला, उन्होंने हरियाणा के बेटे को, हरियाणा के लाल को जेल में डाला है और हरियाणा को ललकारा है कि मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, जो कर सकते हो वो कर लो। अब आप बताइए, मैं हरियाणा की बहू हूं, आपसे पूछती हूं, क्या इस समय आप सब चुपचाप देखते रहेंगे ये सब? आपका बेटा केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। हरियाणा कभी नहीं झुकता किसी से। आप सब ये चुपचाप बर्दाश्त करेंगे? मोदी जी गुजरात से हैं, जानते हैं ना आप सब। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, पूरे गुजरात ने उनका समर्थन किया, सारी की सारी सीटें बीजेपी को दे दी। आपके बेटे केजरीवाल ने हरियाणा का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया है। आप अपने बेटे का साथ देंगे? अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए एक भी वोट। आपको अपने बेटे को पूर्ण बहुमत से जिताना है। ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत का सवाल है। अब आप ही बताइए, फरीदाबाद में बसेस नहीं है, सरकारी बसें नहीं चलती, बस अड्डा भी नहीं है, कैसे लोग सफर करें? मेडिकल कॉलेज नहीं है, बच्चे जाते हैं रोहतक, दिल्ली, जगह जगह पढ़ने जाते हैं। राशन ठीक से नहीं मिलता, और भाई साहब ने बताई ढेरों प्रॉब्लम्स हैं यहां पर। 10 साल भाजपा सरकार ने राज किया है, 10 साल। आप बताइए आपकी जिंदगी में क्या सुधार आया? आप सब टैक्स देते हैं, जानिए कैसे। जब आप कहीं भी कोई सामान खरीदने जाते हैं उस पर GST लगता है, आटा भी खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं आप। तो आप बताइए, सरकार के पास टैक्स देते हैं तो आपका अधिकार बन जाता है कि सरकार आपको मूल सुविधाएं दे, अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, अच्छी सड़कें, पानी, बिजली। भाजपा सरकार ने दिया कुछ? भाजपा सरकार को विकास से मतलब नहीं है। आपके बेटे ने आपके लिए 5 गारंटी दी हैं, केजरीवाल की 5 गारंटी, और दिल्ली पंजाब में ये सब गारंटी पे काम हो रहा है। वो जो बोलते हैं, गारंटी देते हैं, उसको करते हैं। पहली गारंटी है दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी, दिल्ली में, पंजाब में मिल रही है। दूसरी गारंटी, हर गांव शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, सरकारी अस्पताल अच्छे बनाए जाएंगे जहां फ्री और अच्छा इलाज होगा, दवाइयां फ्री होंगी। तीसरी गारंटी, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाया जाएगा, अच्छी शिक्षा होगी, बच्चे पढ़ लिखे अच्छे, उनके कैरियर बनेंगे।
चौथी गारंटी, माताओं को, बहनों को, सखियों को हर महीने हजार हजार रुपया मिलेगा। और पांचवी गारंटी, हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसानों, व्यापारियों, खिलाड़ियों, बुजुर्गों सभी के लिए आपके बेटे ने उनकी खुशहाली और विकास के लिए बहुत सारी प्लानिंग की हुई है। आपके बेटे ने दिल्ली बदली है, पंजाब बदला है, अब आप सबको उनको अपना घर बदलने के लिए जिम्मेदारी देनी है। देंगे आप सब? हम सब मिलकर एक नया हरियाणा बनाएंगे। अभी मुझे पता चला ये भाजपा वाले हैं ना, ये साड़ियां दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, 5 साल में एक बार देते हैं ना वोट से पहले। आपको ये कंबल साड़ी चाहिए या आपको अपनी घर की बिजली पूरा 24 घंटे चाहिए, या आपको 1000 रुपये महीना चाहिए जिससे आप अपनी मर्जी से खर्च कर सके? तो हम सब मिलकर आप सबको, बीजेपी को कोई एक वोट नहीं जाना चाहिए। मंजूर है? जय हिंद।